आजर खबर को स्वागत करुच्ची मु रोजालीन आमर प्रयास आपण निकटने सत्य खबर प्रकाश करिबा तेबे संपूर्ण खबर देखिबा पूर्वरु चालंतु नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। धर्मशाला पुनरुद्धार सह प्लॉटिंग योजना बातिल करा जाउ बोली सीपीआईएम पक्षरु विक्षोभ। विपद बेलर बंधु साजिंट कांग्रेस नेत्री स्मृति रेखा। आज राज्य में 2993 जन पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन सेंटर 1879 जन स्थानीय अंचल 1114 जन चिन्हट। उत्तर बंगोपसगर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना कालीठ 24 जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार आशंका। दर्शक बंधु प्रयास न्यूज सत्य सन्धान सबुबले देश तथा राज्यर टिकनिक खबर देखाई थाए प्रयास न्यूज। चलंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। पुरी को यात्री धर्मकर्म निमन्ते आसुथिबा लोकंकु कम खर्चे रहणी निमन्ते जोगाइबा लक्ष्य 1905 मसीहारे दानरे पाइथिबा बगला धर्मशाला जमी को जिल्लापाल बेआईन भावे लजिंग मालिकंकु बिकिबा निंदनीय। लजिंग हाउस नारे थिबा जमी म्युनिसिपालिट अधीनकु आसिला। जिल्लापाल म्युनिसिपाल आईन को कोण ठेसा करी तहसीलदार को निर्देश दे उक्त जमी को रातराति राजस्व विभाग नारे हस्तांतर करिबार षडयंत्र आज पदारे पड़ी। धर्मशाला एक चैरिटेबल संस्था से उत्सर्गीकृत जमी को उत्तराधिकारी आईन किंबा हस्तांतर आईन बलरे व्यवसाय उद्देश्य रे बिक्री करिबा जिल्लापालंक परिसर बाहर आईन रो शासक जिल्लापाल निजे बेआईन भावे जनस्वार्थ मामला थिला बेले छह जन को बगला धर्मशाला जमी को प्लॉटिंग करी बिक्री को विरोध करी सीपीएम पक्षरु आज बगला धर्मशाला सम्मुखरे प्रतिवाद विक्षोभ करी बगला धर्मशाला को पुनरुद्धार प्लॉटिंग योजना बातिल छटे बिक्री कबला रद्द करिबा उक्त जमी रे त्रितल प्रसाद करी गरीब लोकंकु स्वल्प मूल्य रे रहणी पई आवास जोगाइबा एको चैरिटेबल भाबे म्युनिसिपालिटी परिचालना करिबाकु दाबी करीथिले। सरकार और जिला प्रशासन ए दिगरे तुरंत पदक्षेप ननेले दलमत निर्विशेष समस्त लोकंकु नै बगला सुरक्षा संघर्ष समिति करी आंदोलन को जोरदार कराजिबो बोली घोषणा करा जायछि। ए कार्यक्रम रे संपादक शरद कुमार रायगुरु जगन्नाथ देव पूर्णचंद्र मुदुली मनोरंजन महाराणा जामिनी मिश्र विभूति राउतराय सोमनाथ नायक जितेन्द्र बेहरा गयाधर पांडव प्रमुख जोग देथिले। सरकार जो भाई भाव कन्हैयालाल बगला धर्मशाला को प्लॉटिंग करी श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व उच्छेद होता होटेल मालिक मान दौंट आम विरोध करुच्छ। कन्हैयालाल बगला जो भद्र व्यक्ति तत्कालीन समय बंगला सरकार ठू जमी को किणी ओडिशा सरकार को विशेषकर पूरी जिलापाल लजिंग हाउस फंड को दान करते घर तैयारी करते घर तैयारी कर भक्त मानी रही व्यवस्था करापू दान कले प्रॉपर्टी सुरक्षा कर रक्षणाबेक्षण कर जो दूर दूरातर जो भक्त मैंने आम देखि आसुचु 40 टंका 50 टंका गोटे कमरा घर पाते पूरी सहर गरीब मध्यवित्त लोक मैंने निम्न मध्यवित्त लोक मैंने 500, 300, 1000, 2000 टंकार बाघर व्रतघर शुद्धघर ए समस्त काम कर पारुथिले लोकों संपत्ति को सुरक्षा करने दायित्व अच्छे तुम ताको बिक्री कर तुम अधिकार ना तुम्हें कौन भाई भाव बिक्री करुच आम आपको विरोध करुचु। यापर बृहत्तर आंदोलन हम पुरी सहर यहाँ हूँ हार्टलैंड या कि पुरी सहर समस्त दलमत निर्विशेष समस्त लोक एकाठी हे आंदोलन हम जोरदार हम तेणु प्रशासन तुरंत यह प्रत्याहर करूँ ये अयोग्य जिलापाल यू जाऊ। पुरी बगला धर्मशाला बिक्री को विरोध करी पुरी जिला बीजेपी पक्षरु दुई दिनिया गणधारणा को समर्थन जणाई बीजेपी युवा मोर्चा आज धारणा को ओल्हाइछि।
बगला धर्मशाला को बिक्री न करा जाई एहा को अबढ़ा योजना माध्यम रे उन्नतिकरण करा जाई बाहर आसुथिबा यात्री मानक निमन्ते रहणी स्थल करा जाउ नचे आगामी दिन रे बीजेपी युव मोर्चा राज्य रास्ता को ओल्हाइबो बोली युव मोर्चा सभापति जयंत दास कहिछंती। अपन जानिछन जो बगला जमी को सरकार जो बोली भाबे अनमुखी शासन द्वारा से जको दलाल को द्वारा बा जो लॉज मालिक को बिक्री करूची ता विरुद्ध रे अपन जानिछन दीर्घ दुई दिन हला चलेछि आज मिसि तृतीय दिन चलेछि ये युव मोर्चा तरफ आज जो मैंने बीजेपी जो धारणा देती समर्थन जन आज पूरी जिला बीजेपी युव मोर्चा तरफ एक प्रतीकात्मक भाव आंदोलन करुच्छे जदि आगामी दिन में जिलापाल जो निष्पत्ति नहीं नजाती आम जो बीजेडी सरकार अच्छी आज ओडिशा सरकार जो निष्पत्ति नहीं कि दान सूत्र में पाई जमी को अगर क्या मैंने बिकवर जो प्रयोजन जो प्रयास करुच्चे तार जो नवरती तेज़े यही धारणा आगे जारी रोज आप मन रखता कि जदि प्रशासन अति भी गोटे यदि कथ न माने तो आगामी दिन में राजरास्तार लड़ाई पाए आईन मैंने आंदोलन आम जापरू। गत सप्ताहरे होइथिबा लगाण वर्षा जोगु अनेक क्षयक्षति होइथिबा बेले बहु चाष जमीरे पानी पशि फसल नष्ट होइ जाइछि। केवल चाष जमी नुहे अनेक गाँव मध्य जलमग्न होइथिबा देखिबाकु मिलिछि। एबे भी अनेक परिवार जलबंदी होइ रहिबा सहित भोक उपासरे दिन काटुथिबा बेले ठीक एही महाविपत्ति समयरे देवदूत साजी आंठुए पानी भितरे पशि लोकमानक दुख बुझिथिले स्मृति रेखा पही किछि सुखिला खाद्य सहित आर्थिक सहायता प्रदान करिथिले। जणे नारी हेले मध्य अन्यर दुखरे साथी होइथांती से आमे कहुछु जाजपुर जिला धर्मशाला निर्वाचन मंडलीर कांग्रेस सभानेत्री स्मृति रेखा पहिंक कथा। गत तालाबा समयरे धर्मशालार विभिन्न अंचलकु जाई खाद्य बांटिबा सहित कोरोना महामारी विषयरे सचेतनता वार्ता बांटिथिले। आगरो अनेक दुखी और निराश्रय मानकु साहाज्य मध्य करिथिले। तांकरो एभली निस्वार्थपर सेवा पई अनेक बुद्धिजीवी महलरे प्रशंसार पात्र होई परिछन्ती। जाजपुर सत्यरंजन पाढ़ीक रिपोर्ट। जगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायकंक नारे आउ एक मामला रुजु होईछि सिंहद्वार थानारे। रथयात्रा पई विभिन्न समयरे सरकार और मान्यवर कोर्ट को अवगत तथा सचेतन करिबा पई प्रियदर्शन धारणारे बसिथिले। कोविड नियम को से उल्लंघन करुथिबा अभियोगरे प्रथमे पुरी टाउन थाना परे आज सिंहद्वार थानारे प्रियदर्शन को हाजर करा जाई धारा 41 आईपीएस रे जमीन मंजूर करा जाई छी। एहाकु प्रियदर्शन अभिनव उपाय रे सामाजिक गणमाध्यम रे विरोध प्रदर्शन करिछंती। आपण देखुछंती मो गळा रे दुईटी माळ लागी छी। ए दुईटी माळ होला गोटे टाउन थानारे गोटे सिंहद्वार थानारे ए माने मते केस देती मुझे रथर कौन संक्रमण करुले आंदोलन कर रथयात्रा है सरकार बहुत राग जे रथयात्रा कौन होगा सरकार चाहून रथयात्रा हो तेणुकर गोटे गोटे घटनापे से दिन आंदोलन टाउन थाना देती केस से जमीन दे मत गिरफ्त करके आज मत सिंहद्वार थाना गिरफ्त कर जमीन दे आतेटा थाना बर्तमान केस अच्छी मुझे सरकार को आह्वान करुच्ची एकाठी दे दिंतु मुझे जगन्नाथ केस खाइबे मुझे बहुत खुशी एवं मुझे बड़ा आनंदित जे जगन्नाथ महाप्रभु मत केस खाया पड़ू कि भाग्य आम पचारूँ जे जदि रथ करवाटा भूल से भूल पाई आम गर्वित आम पचारूँ जो तेलंगा तमिल उड़ा आढ़ई से भाभी था से चढ़ई बंद हेनी ये लड़े तुम जिते रखीच केस है तमिल तेलंगा चढ़ई भावनी आम के डरी जीव तुम केस बंद करदेबू लड़े बंद करदेबू लड़े के बंद हेनी लड़े। राज्य रे बढ़ी चली कोरोना महामारी एहरी मध्य रे राज्य रे आज 2993 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेमनक मध्यरु क्वारंटाइन रु 1879 जन स्थानीय अंचल रु 1114 जन चिन्हट होइछंती। एई क्रम रे राज्य रे कोरोना आक्रांतक संख्या 78530 को वृद्धि पाइछि। एनी सूचना लोकसंपर्क विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि।
तेबे आजि खोर्धारु सर्वाधिक 606 जण कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेहिपरि अनुगुलु 21, बालेश्वरु 115, बरगडु 98, भद्रकरु 92, बलांगीरु 62, बौद्धरु 9, कटकरु 158, ढेंकानालडु 60, गजपतिरु 43, गंजामरु 271, जगतसिंहपुरु 46, जाजपुरु 121, झारसुगुडा 43, कलाहंडीरु 36, कंधमाळरु 58, केन्द्रापडारु 43, केन्दुझरु 63, कोरापुटरु 95, मलकानगिरीरु 85, मयूरभंजरु 120, नवरंगपुर 68, नयागढ़ 153, नुआपड़ारु 11, पुरीरु 156, रायगढ़ 137, संबलपुरु 104, सोनपुर 40 और सुंदरगढ़ 70 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट। चौबीस घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। प्रभाव में कालीठ 24 जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। एने सबु जिलापा सतर्क कर स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। काली 9टी 25 तारीख में 12टी और 26 तारीख में 11टी जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होई। ओडिशा उपकूल में 40-50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। अगस्त 25-26 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र को नजीबा लगी परामर्श दिया जाई और भूस्खलन उपरे सतर्क दृष्टि रखा को रिलीफ कमिशनर निर्देश देछंती। 24 अगस्त 13टी जिला बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा पुरी अनुगुल केन्दुझर और ढेंकानाल येलो वार्निंग जारी होई। 25 अगस्त 13टी जिला ऑरेंज वार्निंग दिया जाई। से 13टी जिला हेउची बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक मयूरभंज केन्दुझर और ढेंकानाल। 6टी जिला जथा अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ पुरी कंधमाल और बौद्ध को येलो वार्निंग करा जाई। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट। आपण माने देखुथिले आजिरो खबर। चलंतु नै जिबा गोटे छोटिया बिरती। प्राथमिक शिक्षा बच्चे के भविष्य की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वास से भरे, स्मार्ट और तेज तरार हो तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है। यह पूरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते हैं। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विद अरब मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम रो शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा, अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला।
अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता, जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट, मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी, मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विद एरिड मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क, कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा, अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में, मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता, जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट, मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी, मीना जी पाचक जिंजर। विरती परे आपण मानुकु स्वागत, चालंतो देखिबा अन्यन्य खबर। भुवनेश्वर मध्य विधायक अनंत नारायण जेना जणे परोपकारी ओ बहु परिचित लोकप्रिय विधायक। सारा जीवन से जनसाधारण मानकर सेवा पई निज जीवन को समर्पण करी देइछंती। लॉकडाउन थारु आरंभ करी कोविड पॉजिटिव हेबा पूर्व पर्यंत लोकमानक पई सुखिला खाद्य थारु रंधा खाद्य, कोविड परीक्षण केन्द्र, विभिन्न अंचल को विशोधन थारु आरंभ करी विभिन्न कार्य करी लोकमानकर हृदय रे अछंती। किंतु दुखर विषय एते सचेतन सह काम करबा परे मध्य अजाणत रे कहा संस्पर्श रे आसी पॉजिटिव रे चिकित्साधीन हेउछंती। एथिपाई तांको आशु आरोग्य कामना करिबा सह जल्दी सुस्थ होई पुनर्बार लोकमानकु सेवा जोगाई देबा उद्देश्यरे आज नुआपल्ली वार्ड नंबर 39 अधीन रे थिबा नुआसाहीर आखंडळ मणि मंदिर रे समाज सेवी तथा श्री महावीर सामाजिक संगठन रो साधारण संपादक मिलन कुमार पाइकरेंको नेतृत्व रे एक समूह दीपदान कार्यक्रम करा जायतिला। एही कार्यक्रम रे अन्य मानक मध्य रे वार्ड नंबर 38 रो पूर्वतन कॉर्पोरेटर निखिल कुमार बलवंत राय, बद्री नारायण मिश्र, अर्जुन बेहरा, अनुज चंद्र नायक, शुभेंदु नायक, समीरण दास, सौम्यरंजन स्वयं, प्रभुदत्त सामल और निहार रंजन महापात्र समेत महावीर सामाजिक संगठन अनेक कार्यकर्ता सामिल थिले। तेणुकर आम आज आम महावीर सामाजिक संगठन समस्त सदस्य तथा आम पूर्वतन कर्पोरेटर निखिल बलवंत राय एवं बद्रीनारायण मिश्र, अर्जुन बेहरा एवं आम शुभेंदु सान भाई, समीरण चंदू आरंभ कर समस्त आम जिते सदस्य अच्छा समस्ते मिसी आम पद प्रदर्शन कर अनंत जेना आशु आरोग्य कामना करुचु जमी से खूब शीघ्र सुस्थ हो पुनर्बार सारा भुवनेश्वरवासी सेवा जोगाई देवे मोर आशा। पुरी सदर अंचल खड़ीपदा ग्रामर वेणुधर साहूंक धर्मपत्नी स्वर्गत बिलासिनी साहूंक एकादश उपलक्षे एक श्रद्धांजलि सभा अनुष्ठित हो जाएछि। तांकर फोटोचित्र रे तीनी पुओ देवेंद्र साहू, नवकिशोर साहू, शिवशंकर साहूंक समेत तीनी बहु, चारि झियो सुमी साहू, ऋषि साहू, लक्ष्मी साहू, इति साहू एवं चारि ज्वाइंक समेत
ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦିବାକର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଳାସିନୀ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ହେଲା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚମା ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଆଳତୀ, ଭୋଗ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନବନୀତି ହେଇକି ନବନୀତି ସରିଲା ପରେ ଆମର କବାଟ ଦିଆହେଲା। ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ନବନୀତି ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ରୋକଟୋ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆମର ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ଦିନ ଦିନ ସାରା ତ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଦର୍ଶନ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ରାତ୍ର ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅନ୍ନଭୋଗ ରାତ୍ର ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲା? ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁଦାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କିଶୋରନଗର ତହସିଲର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟା ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଶୋରନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଳାସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସଭାରେ ପାଖରେ ବସାଇ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ କିପରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି କରାଇ ବସାଇଲେ ତାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି। ସାଧାରଣରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ସହସ୍ର ଇଟାଭାଟି ନିର୍ମାଣ, ବେପରୁଆ ବାଲି ଉଠାଣ, ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନାରେ ରହିଥିବା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳରେ କର୍ମୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଳାସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟା ଅତିଥି କରିକିରି ଏବଂ ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଯେଉଁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସଭା ହେଉଥିଲା ସେ ସଭାରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ସେଠି ଥାନା IIC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବସା ହେଇକରି ଅତିଥି ରୂପେ ନେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ଏଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଜଣେଇଛି ଯେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକିରି ତେଣୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ଦିନଟି ଚାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତି ପବିତ୍ର ଦିବସ ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚୌଧୁରୀ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ COVID-19 ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଦ୍ୱୈତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନକରି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ନରଖି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ରାସନ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଖବର ପାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ନଦୀପଠାରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ, ବେଧଡ଼କ ଜୁଆ ଖେଳ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ବରହମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସୂଚନା ପାଇ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା IIC ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାର କୌଶଳକ୍ରମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ଢେଲାମାଳ କରାଯିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧରାକୋଟରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆଜିର ଖବର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।